Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. Agarwal का Chapter 14% solve किया जा रहा है. आज हम exercise 61 solve करेंगे. तो आइए जानते हैं percentage के बारे में. The term percent come from two Latin words percentum which means out of 100. Percent word कहां से आया है? ये word Latin words percentum से आया है. जिसका मतलब होता है आउट ऑफ 100. 100 में कितना, कोई वैल्यू 100 में कितनी होगी या फ्रैक्शनल वैल्यू 100 में कितनी होगी, उसे ही हम परसेंट कहते हैं. 5%. तो परसेंट का सिंबल क्या होता है? परसेंट का सिंबल होता है ये सिंबल जहां पे भी होगा इसका मतलब होगा परसेंट. तो 5% लिखें या 5 के बाद ये सिंबल लगा दें तो इसका मतलब भी परसेंट होता है. और हमने ऑलरेडी डेफिनेशन से देखा है परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100. 5 आउट ऑफ 100, 5 100 में, 100 में कितना 5, तो उसे हम कहेंगे 5%. इसे ये भी कह सकते हैं 5 hundredths. तो 5%, दैट मींस परसेंट की जगह हम ये सिंबल लगा सकते हैं. इसका मतलब होता है परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 5 upon 100, 5 out of 100. एक और एग्जांपल देखते हैं. 12%, दैट मींस सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 12 और ये सिंबल लगा देंगे. परसेंट मींस आउट ऑफ 100, 12 out of 100, 12 upon 100. और अपान में 100 होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, हंड्रेड्स भी कहते हैं, हंड्रेड्स. ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ, 12 out of 100. Percent means out of 100. इस चैप्टर में टू इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. फर्स्ट है कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन और डेसिमल. कोई परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज कहें या परसेंट या आउट ऑफ 100 कहें, सेम चीज है, ये याद रखना है आपको. अब अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए रूल नंबर 1 दिया हुआ है. टू कन्वर्ट अ सर्टेन परसेंट इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन द परसेंटेज न्यूमरल इज डिवाइडेड बाय 100. कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है तो उसमें जो भी नंबर लिखा है उसे आप 100 से डिवाइड कर दें तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज लिखा हुआ है 25%. अब इसमें कहा गया है इसको आप परसेंटेज हटाइए, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. तो हम क्या करेंगे, परसेंट का सिंबल हटाएंगे और इस न्यूमरल को आप 100 से डिवाइड कर देंगे. रूल 1 ये कहता है कि कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है तो आपको क्या करना है, उस नंबर को जो भी न्यूमरल लिखा है उसे आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखिए 25 और 100 दोनों ही 25 से डिविजिबल है, यानी 25 की टेबल में आते हैं. तो 25 को 1 से 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो न्यूमरेटर में क्या हुआ, 1 upon 4. तो हमने दिए हुए परसेंटेज को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. 25% कहें या 1/4 कहें, सेम ही चीज है. 25% मींस 25 out of 100. 100 में किसी को 25 मिलता है या 4 में किसी को 1 पार्ट मिलता है, दैट इज सेम थिंग. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 40% दिया है तो इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो परसेंट के साथ जो न्यूमरल लिखा है इसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा. अब देखते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है. तो देखिए ये 20 से डिविजिबल है ये नंबर, तो 22 जा 40, 25 जा 100, दैट मीन्स 2/5. 40% कहें या फ्रैक्शन में 2/5 कहें, सेम थिंग. इस तरह से हमने दिए हुए परसेंटेज को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब देखिए इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सेम एग्जांपल लेते हैं. 25% दिया है तो आप क्या करते हैं, 25 इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 25/100 हो गया. अब आप इसे सिंप्लीफाई मत करिए, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो देखिए अपान 100 है, यानी जो भी न्यूमरल जो भी यानी न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू दी है उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा.
अगर अपान में 100 रहता तो यही करते हैं, तो 1 to 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाता है, और होल पार्ट में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 लिख देते हैं, 0.25, 25% का मतलब होता है डेसिमल में 0.25, और फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1/4। तो इस तरह से परसेंटेज में वैल्यू दी हुई होगी, हम उसे फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड रूल कौन सा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो अभी हमने देखा कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन दिया हो या कोई डेसिमल न्यूमरल दिया हो, उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रूल देख लेते हैं। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन और अ डेसिमल इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100, कोई फ्रैक्शन दिया है उसे आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है 9/25, ये फ्रैक्शन दिया, इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 25 और 100 डिजिटल है, 25 से 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 9 4 जा 36, और ये परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट है तो परसेंटेज, दैट मीन्स 9/25 फ्रैक्शन का मतलब होता है 36%। इस तरह से हम किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, अब आइए डेसिमल को भी देख लेते हैं। तो 0.6 दिया हुआ है, ये इसे आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जैसे ही हम इस पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। अब देखिए 0.6 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6/10, 0.6 को आप 6/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेस में सिर्फ एक डिजिट है, और ये 100 है इंटू 100 तो इंटू 100, और ये परसेंटेज। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 6 × 10 क्या होगा, 60%। परसेंट का सिंबल लगा है तो परसेंट का सिंबल लगाते हैं। तो देखिए 0.6 का मतलब होता है 60%। इस तरह से हमने फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है, और डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दिया है उसे भी परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल। तो इस तरह से दो रूल्स हैं हमारे पास, इनके थ्रू हम इस एक्सरसाइज 61 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 61। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसमें भी लोएस्ट टर्म मतलब सिंप्लीफाई भी करना है उसके बाद। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी वैल्यू परसेंटेज में दी हुई होगी, उस दिए हुए न्यूमरल को आपको 100 से डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर दिया है परसेंटेज में उसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 35%। अब हमें मालूम है जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है और उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, जो भी न्यूमरल दिया है, जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, उसे डिवाइड कर देते हैं 100 से। परसेंट का सिंबल हटाते हैं और सिर्फ इस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में भी लिखना है, तो इनको इनके एचसीएफ से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 35 और 100 का एचसीएफ होता है 5, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, 5 से बन जा 35 और 5 20 जा 100, तो 7/20 यहाँ लिखेंगे 7/20। इस तरह से 35% का मतलब होता है 7/20। नेक्स्ट दिया है 48%, तो न्यूमरल 48 है, इसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लोएस्ट टर्म में इसको लाना है, तो 48 और 100 इनका एचसीएफ क्या है, 4, दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। तो इसे हम लिख सकते हैं 12/25, तो 48% मीन्स 12/25। इस तरह से दिए हुए परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट दिया है 72%, तो यहाँ भी जो नंबर दिया है, न्यूमरल दिया है, उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज का साइन आप हटा सकते हैं।
72% मीन 72 आउट ऑफ 100। दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर देते हैं 72 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा, 100 डिवाइड होगा 4 से तो यहाँ पर 25 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 18/25। दैट मीन्स 72% इक्वल टू फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 18/25। ऐसे 84% इक्वल टू 84/100, दैट मीन्स 84% मीन्स 84 आउट ऑफ 100। दिए हुए न्यूमरल को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। 84 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। 84 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 21 आएगा, और 100 को डिवाइड करते हैं 4 से तो यहाँ पर आएगा 25। तो ये बनेगा 21/25, 84% मीन्स 21/25। इस तरह से हमने इसे परसेंटेज से इक्विवेलेंट लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ये में दिया हुआ 7.5%, तो जो न्यूमरल दिया है वो मिक्स में दिया है, तो इसे पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 7 2 जा, इन 7 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 2 जा 14, और यहाँ जो भी लिखा रहता है उसे ऐड कर देते हैं, 14+1 15, 15/2%। 7.5% कहें या 15/2% सेम थिंग है। अब इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/100, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसे 100 से डिवाइड करना, या इसे हम कह सकते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई करना भी कहते हैं। अब यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, 15 और 100 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 × 20 क्या होगा, 40। तो 7.5% का मतलब हुआ 3/40। इस तरह से दिए हुए परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। नेक्स्ट दिया है 8/1/3%, तो 8/1/3% को क्या लिखा जा सकता है, 8/1/3 को लिख सकते हैं 8 3 जा 24+1 5 25 25/3%। 8/1/3% कहें या 25/3% सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पर इसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो जो भी न्यूमरल दिया है यानी 25/3 दिया है, इसे 100 से डिवाइड करना है यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करना, तो ये इक्विवेलेंट लोएस्ट टर्म के फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए 25 और 100 ये दोनों ही डिजिबल हैं 25 से, तो डिवाइड कर देते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इनका, 1 1 जा 1, और अपान में यहाँ 3 है और यहाँ 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। इस तरह से 8/1/3% इक्वल टू होता है 1/12। यहाँ लिखा 16 2/3%, दैट मीन्स 16 3 जा 48+2 50, इसे हम लिख सकते हैं 50/3%। अब इसे कन्वर्ट करना है इक्वल फ्रैक्शन में, तो 50/3, 100 से डिवाइड करना यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करना। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर हो रहा तो देखिए 50 और 100 दोनों ही 50 के टेबल में आते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। तो 16 2/3% का मतलब हुआ 1/6। 37.5%, इसे आप लिख सकते हैं 37, और ये डेसिमल पॉइंट अगर हटा देते हैं तो अपान में क्या आ जाता है, 10। यहाँ पर डेसिमल प्लेस में एक डिजिट है, इसका मतलब आप इसे डेसिमल पॉइंट हटा सकते हैं, अपान में 10 लिख सकते हैं, तो ये परसेंटेज हुआ। और इसे आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो जो भी नंबर लिखा है यहाँ पर इसे आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 375 25 से डिविजिबल है, तो इसे 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 15, और ऐसे ही 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4। अभी 15 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो इन्हें डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5
टू जा 10। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 1 जा 3 और डिनोमिनेटर में 2 4 जा 8। 37.5% का मतलब हुआ 3/8, 135% लिखा है। तो इस दी हुई वैल्यू को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमसे कहा गया लोएस्ट टर्म लाने के लिए, तो हम देखेंगे इनका एस सी एफ क्या हो सकता है। तो देखिए एस सी एफ क्या है, दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। 5 यहाँ पर आएगा 227, 27 5 जो 135 होता है और इसे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर 520 जा, दैट मीन्स 27/20। इस तरह से दिए हुए फ्रैक्शन, इस तरह से परसेंटेज को हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू आई 27/20। नेक्स्ट दिया है 225%, तो यहाँ भी दिए हुए न्यूमरल को परसेंटेज के साथ जो न्यूमरल दिया उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, 225 और 100 हमें एस सी एफ देखना है, कौन बड़े से बड़ा नंबर है जिससे हम इसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेना है, सबसे सही क्या रहता है, आप बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक ही बार में वो फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये 25 से डिविजिबल है, तो इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9 और 100 को जब डिवाइड करते हैं 25 से तो वैल्यू आती है 4। तो न्यूमरेटर में 9 और अपॉन डिनोमिनेटर में 4, 9/4, 225% मींस 9/4। इस तरह से परसेंटेज को हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। के में दिया है 2%, दैट मीन्स 2 out of 100, दिए हुए नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 2/100, दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, 2 1 जा 2 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, दैट मीन्स 1/50। इस तरह से परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 9.6%, 9.6 को आप लिख सकते हैं 96/10। यहाँ पर एक ही डेसिमल पॉइंट प्लेसेस है, यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है, इसलिए अपन डेसिमल पॉइंट हटा सकते हैं और अपान में 10 लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कोई वैल्यू दी होती है परसेंटेज में, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ही चीज़ है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो पहले हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 24 और इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी 25। अब 24 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ पर वैल्यू आती है 12 और यहाँ पर 5। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमें मिलने वाला है 12 1 जा 12 और डिनोमिनेटर में 5 into 25 125। इस तरह से दिए हुए परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है 12/125। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दी है, इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो रूल वही है, आपको जो भी वैल्यू डेसिमल में दी है उसे 100 से डिवाइड कर देना है तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ए में दिया है 23%, 23% इक्वल टू होगा दिए हुए न्यूमरल को जो परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है उसे आपको 100 से डिवाइड करना है। अब नीचे हम देख रहे हैं अपान में क्या है, 100, दैट मीन्स ये डेसिमल फ्रैक्शन बन गया, तो यहाँ पे 100 है तो जो भी न्यूमरेटर होगा उसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, राइट से 2 डिजिट काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 1 और 2, ये 2 डिजिट हो गए, इसके पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब अगर इसमें इधर कोई डिजिट नहीं बचती है तो आप यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0.23, दैट मीन्स 23% इक्वल टू 0.23। इस तरह से हमने दिए हुए परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। 72% नंबर यहाँ पे 72 है, इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ हम देख पा रहे हैं
अपान में 100 है, इसलिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो 1 2 2 डिजिट होगा, इसके पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0.76%, दैट मीन्स 6/100। अब यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो 6 एक ही डिजिट हुआ, तो 2 डिजिट में 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 06। तो देखिए 2 डिजिट में 6 को हम कैसे लिखते हैं, 06। अब 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 1 और 2 डिजिट हो गए, ये डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, 0.06। 10%, तो जो भी वैल्यू परसेंट में दी है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं उसे। अब देखिए ये 10 1 10 10 10 100, यानी ये 1/10 हो गया। अब इसे 1/10 भी पढ़ सकते हैं, अपान में 10 है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, तो ये हमने नंबर लिखा 1, अब इसके पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, होल पे कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 0 लिख देते हैं, 0.1। ये भी लिखा 35.6%, तो दिए हुए नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज से ये चेंज हो जाएगा। अब 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, और अगर डेसिमल पॉइंट पहले से लगा है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट करना है, 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो डेसिमल पॉइंट यहां पर लगा था, तो 2 डिजिट के पहले या लेफ्ट साइड में 2 डिजिट या लेफ्ट साइड में 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, तो यहां से 1 और 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में, तो ये 3 के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, और होल पार्ट में कुछ नहीं तो आपको 0 लिखना होगा, तो 35.6% का मतलब हुआ 0.356। 104%, तो इसे हम लिखेंगे 104 out of 100, तो ये परसेंट का सिंबल हट जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 104/100, तो ये परसेंट का सिंबल हट जाएगा, परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, ये 100 से डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को, तो ये परसेंटेज से कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के पहले न्यूमरेटर में जो भी ये नंबर लिखा उसके 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, अगर डेसिमल पॉइंट पहले से नहीं है, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे, 1 2 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो 104% मीन्स 1.04। 180% हम इसे लिख सकते हैं, 180 out of 100। अब देखिए दोनों ही 10 से डिविजिबल है, तो 10 18 जा और 10 10 जा, दैट मीन्स 18/10। अब अपान में 10 है, यानी राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे राइट से, 1 ये डिजिट होगा, इसके पहले हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो 1.8, और ये 10 हट जाएगा इस तरह से, तो 180% मीन्स 1.8। 235%, दैट मीन्स 235 out of 100। ये वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर 100 है अपान में डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, जब 100 होता है तो 2 डिजिट के पहले, 1000 होता है तो 3 डिजिट के पहले, 10 होता है तो 1 डिजिट के पहले, तो 100 है तो 1 2 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो 2.35, 235% मीन्स 2.35। 4.5%, दैट मीन्स 4.5/100, 4.5 out of 100, 100 से डिवाइड किया। अब देखिए अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, अगर 100 का रिमूवल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा है, यानी 100th प्लेस, 100 से डिवाइड किया गया है इसे, यहाँ पर अपान में 100 है, तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, और अगर पहले से डेसिमल पॉइंट लगा है तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में 2 प्लेसेस मूव करना है, तो 5 के पहले लगा हुआ था डेसिमल पॉइंट, तो 2 प्लेसेस मूव करना है, तो ये 4 के पहले 1 प्लेस हुआ, और यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो ये 2 प्लेस हो गया, यहाँ से यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा पाएंगे, 2 प्लेसेस इसको मूव करना था, तो 4
ये एक प्लेस हुआ और इसके पहले एक और डिजिट यहाँ पर नहीं है तो जीरो लिखेंगे। तो इस तरह से टू डेसिमल प्लेसेस हमने इस तरह से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में हमने टू प्लेसेस मूव किया। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, दैट मीन्स 4.5% इक्वल टू 0.045, 6.25%। तो परसेंट का सिंबल हटाना है तो आपको अफान में 100 लिखना होगा या 100 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए, अब 100 को भी रिमूव करना है, इसे डेसिमल प्योर डेसिमल में लिखना है अगर तो आप लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं, ये आपको मालूम है। अब डेसिमल पॉइंट को हमें टू प्लेसेस शिफ्ट करना था, तो टू के पहले था यहाँ पर ये वन प्लेस, ये टू प्लेस, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे। और यहाँ होल पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिखते हैं, तो 6.25 अपॉन 100 का मतलब वो 0.0625, दैट मीन्स 6.25% इक्वल टू 0.0625। सिमिलरली 0.3%, दैट मीन्स 0.3 अपॉन 100। अब पॉइंट को टू डिजिट के पहले लाना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में टू प्लेसेस शिफ्ट करना है या मूव करना है। तो थ्री के पहले था तो ये एक जीरो और लगा लेते हैं, तो इस तरह से ये टू डिजिट के पहले पॉइंट हमने लगा दिया डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर आप जीरो लिखते हैं, तो 0.3% इक्वल टू 0.003। 0.25% दिया है तो इसे आप लिख सकते हैं 0.25 आउट ऑफ 100 अपॉन 100। अब टू डिजिट के पहले, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में टू प्लेसेस मूव करना है, तो 25 के पहले लगा हुआ था ये जीरो के पहले, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक प्लेस के लिए और जीरो लिख देते हैं। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था, अब टू प्लेसेस, देखिए यहाँ पे टू के पहले था, अब लेफ्ट साइड में हमने मूव किया इसे 0, 0, ये टू प्लेसेस और आगे लेफ्ट साइड में मूव कर दिया। अब यहाँ होल पार्ट में कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं, तो 0.25% मीन्स 0.0025। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो क्या करते हैं, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो वो कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड के ए में दिया है 23/100, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, इसे 7/10 को हम लिख सकते हैं 7/10 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 बन जा 10, 10 10 जा 100। अब 7 × 10 करेंगे तो 70% हो जाएगा। डी में दिया है 1/4, तो 1/4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, 4 × 1 = 4 और 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आएगा। अब न्यूमरेटर में यहाँ 1 था, यहाँ पे 25 है, 1 × 25 करेंगे तो 25%, दैट मीन्स 1/4 इक्वल टू क्या होता है परसेंटेज में, 25%। यहाँ लिखा है 1/8, तो परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, 8 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 × 2 = 8 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। दैट मीन्स 1 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/2, 25/2%। अब इसे आप चाहें तो मिक्स में लिख सकते हैं, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा 12, रिमाइंडर बचेगा 1 और डिवाइजर 2 था, तो ये 25/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हमने मिक्स में लिखा तो 12 1/2 लिखा, और ये परसेंट का सिंबल है तो परसेंट का सिंबल, दैट मीन्स 1/8 इक्वल टू होता है 12.5%। नेक्स्ट है एफ, 2/5, तो परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना होता है किसी फ्रैक्शन को तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, और ये परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए, 5 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 × 1 = 5 और 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पर आएगा 20। अब न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ पर 20, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 × 20 क्या होगा, 40, और परसेंट का सिंबल लगा तो परसेंट का सिंबल लगाइए, दैट मीन्स 2/5 इक्वल टू होता है 40%। जी में दिया 3/20,
तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दिए हुए फ्रैक्शन को, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में हो जाएगी। अब 20 और 100 दोनों 20 डिविजिबल हैं, 21 जब 20 और 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4, क्या आएगा, 5, 25 जो 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 × 5, यहाँ पे 3 बचता है न्यूमरेटर में, यहाँ पे ऊपर 5 है, तो 3 × 5 जो 15 लिखेंगे, और परसेंट का सिंबल है तो परसेंट का सिंबल लगाएंगे, दैट मीन्स 3/20 इक्वल टू 15%, एच 9/20। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का सिंबल लगा लीजिए, इसके बाद आप 21 × 20, 25 × 100, यहाँ 9 है और यहाँ 5, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 9 और 5 का, तो 9 × 5 = 45, और ये बाहर परसेंट का सिंबल लगा है तो परसेंट का सिंबल लगाइए, दैट मीन्स 45%, 9/20 = 45%। तो 18/25 से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 और 100 देखिए दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं तो डिवाइड कर लेते हैं, 25 × 25, 25 × 4 = 100। अब यहाँ पे 80 है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये 4, 18 × 4 = 72, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं सॉल्व किए तो 72 आया, और ये बाहर सिंबल लगा है परसेंटेज का तो परसेंटेज का सिंबल, दैट मीन्स 18/25 = 72%। जे में लिखा है 27/50, तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो दिए हुए फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 50 और 100 दोनों ही 50 के टेबल में आते हैं, यानी 50 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं, 51 × 50, 52 × 100। अब यहाँ पे 27 और ये 2 है, 27 × 2 = 54, और ये परसेंट का सिंबल लगा है तो परसेंट का सिंबल लगाइए। यहाँ लिखा है के में 9/16, परसेंटेज में इसे भी कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 9/16 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 9/16 × 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, 16 और 100 दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 × 16, और ये 4 को जब 100 से, अब इस 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। अब न्यूमरेटर में 9 है, यहाँ 25, 9 और 25 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 225, और अपान में क्या है 4, तो 4 लिख लेते हैं परसेंटेज। अब ये वैल्यू है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स में, जब भी इम्प्रॉपर में वैल्यू होती है तो उसे हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं फाइनल आंसर में, तो 225/4 लिखा है तो 225 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वोशंट आएगा डिवाइड करने पे 56, रिमाइंडर बचेगा 1, तो उसे 1 लिखेंगे और अपान में 4, तो आप अलग से डिवाइड करके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वोशंट क्या आता है 56, रिमाइंडर 1 बचता है और अपान में तो 4 आएगा क्योंकि डिवाइजर यहाँ पर 4 है, तो 9/16 = 56 and 1/4%। एल में दिया है 37/40, तो जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन को आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पर, फिर अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब 40 और 100 दोनों ही 20 डिविजिबल हैं तो डिवाइड कर लेते हैं 20 से, 22 × 40, और इसे जब डिवाइड करते हैं 100 को तो 25 × 100। अब 37 और 5 का मल्टीप्लाई होगा और अपान में क्या आएगा 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 37 और 5 का आपस में तो 185 आता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। अब ये वैल्यू किस में दी है, इम्प्रॉपर में दी है, तो इसे मिक्स में हम लोग लिख लेते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे इसे 185 को 2 से तो क्वेश्चन आएगा 92, रिमाइंडर बचेगा 1, तो उसे ऊपर लिखते हैं, और डिवाइजर यहाँ 2 था तो 2 ही लिखते हैं, तो ये 37/40 = 92.5%, 2/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए 3, 2 और 100 से डिविजिबल नहीं है, 3, 2 और 100 में
टू थ्री से डिविजिबल नहीं है और 100 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 100 और अपान में 3 और परसेंट का सिंबल। अब ये वैल्यू हमारी इम्प्रॉपर में आई है तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स में, तो 200 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है 66, रिमाइंडर बचता है 2 और यहाँ डिवाइजर 3 था तो 3 लिखते हैं। इस तरह से 2/3 इक्वल टू होगा 66 एंड 2/3%। एन में दिया हुआ है 2 and 1/5, तो ये मिक्स में वैल्यू दी है तो पहले से इम प्रॉपर में लिख लेते हैं। 2 × 5 = 10 + 1 = 11/5। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू दी है इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए 5 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 5 × 1 = 5 और ये 20 × 100 होता है। अब 20 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 220। परसेंट का सिंबल लगा तो परसेंट का सिंबल लगाइए, दैट मीन्स 2 and 1/5 = होता है 220%। ओ में दिया 3 and 1/4, इसे हमने मिक्स से कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, तो 3 × 4 = 12 + 1 = 13/4 हुआ। अब इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में आ गया। अब देखिए 4 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो 4 × 1 = 4 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पर 13 और 25 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 325 और परसेंट का सिंबल लगा तो परसेंट का सिंबल लगाइए, दैट मीन्स 3 × 1/4 = होता है 325%। इसी तरह से 2 × 7/10 को हम लिख सकते हैं 27/10। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये 10 और 100 डिजिबल हैं 10 से, तो 10 × 1 = 10, 10 × 10 = 100। यहाँ पर 27 और यहाँ पर 10, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा और ये परसेंट का सिंबल लगाएंगे, तो 27/10 का मतलब होता है 270%। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ परसेंटेज। तो परसेंटेज में आपको जब भी कन्वर्ट करना है डेसिमल को, आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए में दिया है 0.8, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे, तो 0.8 इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0.8 × 100 तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8 यानी यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, इसे हम लिख सकते हैं 8/10 और ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 × 1 = 10, 10 × 10 = 100। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, तो 8 × 10 = 80, 80%, 0.8 means 80%। बी में लिखा है 0.25, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.25 फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.25 को आप लिख सकते हैं 25/100, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए इसे आप डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो अपान में 100 लिखना पड़ेगा और ये 100 एज इट इज लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। अब देखिए 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100। अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 1 है, 25 × 25%, ये फाइनल आंसर आएगा। 0.25 मींस 25%। 0.76 तो इसे आप मल्टीप्लाई करिए 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.76 यानी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है तो इसे आप लिख सकते हैं 76/100। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे 100 से। अब 76 × 76%, दैट मीन्स 0.76 = 76%। 0.06 तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 0.06 ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है तो इसे आप डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, 6/ ये 2 डेसिमल प्लेस है यानी 100 आता है अपन में। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाते हैं, ये इनटू का साइन है इनटू और ये 100 लिखा है तो 100 लिखते हैं
और परसेंट का सिंबल। अब ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाते हैं, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100। अब 6 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 बन जा 6, परसेंट का सिंबल लगा है तो परसेंट का सिंबल लगाएंगे, दैट मीन 0.06 इक्वल टू होगा 6%। यहाँ 0.325 है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं या डेसिमल के बाद, ये 3 डेसिमल प्लेस का नंबर है तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए अपान में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1000 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे लिखा है परसेंटेज। अब देखिए 100 बन जा 100 को जब 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आएगा 10, दैट मीन्स 325 अपान 10%। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपान में 10 है तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस तो यहाँ पर राइट से 1 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, दैट मीन्स 32.5%। इसी तरह ऐप को सॉल्व करेंगे तो 0.004 इक्वल टू आएगा 0.4%। इसी तरह से सॉल्व करेंगे जी को तो 1.05 इक्वल टू आएगा 105%। आगे जब सॉल्व करते हैं एच को 4.2, इसे जब सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आती है 420%। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें परसेंटेज में वैल्यू दी है और एक्चुअल वैल्यू पूछा है। जैसे ए में दिया है 24% ऑफ 175, अगर 100 में कोई चीज़ 24 है तो 175 में कितनी होगी, तो यहाँ पे हमें 24% ऑफ 170 फाइंड करना। चलिए फाइंड करते हैं इसे, 24% ऑफ 175, 24% मींस 24 आउट ऑफ 100, इसे हम लिख सकते हैं, परसेंटेज को हम एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जब ये नंबर में फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाता है, उस नंबर को हमें सिर्फ 100 से डिवाइड कर देना होता है। 24% मींस होता है 24 आउट ऑफ 100, ऑफ की जगह ऑफ लिखेंगे, 175 की जगह 175। अब मैथमेटिक्स में हमें मालूम है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो यहाँ पर 24 अपॉन 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 175। अब देखें ये दोनों किससे डिविजिबल है, तो देखिए 175 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, तो हम इन्हें डायरेक्ट 25 से डिवाइड करेंगे। 25 4 जा 100, 25 7 जा 175। अब 4 और 24 दोनों ही 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जा 42, यही आंसर होगा। 24% ऑफ 175 इक्वल टू 42, ये आंसर होगा इसका। बी में दिया है 8% ऑफ 225, 8% मींस 8 आउट ऑफ 100, 8 बाई 100, ऑफ की जगह आप यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं और 225 की जगह 225। अब डायरेक्ट भी ऑफ हटा के नेक्स्ट स्टेप में इनटू का साइन लगा सकते हैं। अब देखिए 100 और 225, 8 अपॉन 100, तो 8 अपॉन 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 और 25 दिया हुआ है, अब 25 और 225 दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं यानी 25 से डिविजिबल है, तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25 और 225 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 9। अब 9 टू जा 18, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 18। 100 में अगर कोई वैल्यू 8 है तो 225 में वो 18 के इक्वल होगी। 70% ऑफ 80, तो 70 को हम लिख सकते हैं 70 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन से होता है और ये 80 लिखा है तो 80 लिखते हैं यहाँ पर। अब ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लिखना है तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं,
तो 10 से दोनों डिजिबल हैं, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 और 80 भी आपस में डिजिबल हैं, 10 वन जा 10, और 80 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 एट जा 80। अब यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 एट जा 56, तो 70% ऑफ 80 क्या होगा, 56, ये आंसर होगा। 80 का 70% क्या होगा, 56। डी में दिया है 120% ऑफ 45, तो 120% मीन्स 120 आउट ऑफ 100, और ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 45। अब इन्हें परफॉर्म करते हैं, तो देखिए 120 और 100 दोनों 20 के टेबल में आते हैं, 26 जा 120 होता है और 25 जा 100 होता है। अब 5 और 45 की बात करें तो दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, यानी 5 डिजिबल हैं, 5 वन जा 5, 5 नाइन जा 45। अब यहाँ 6 है, यहाँ 9, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 नाइन जा 54। 120% ऑफ 45 का मतलब हुआ 54, यही आंसर होगा। 16% ऑफ 550, इसका मतलब हुआ 16% को आप लिख सकते हैं 16/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और 550 एज इट लिख दिया जाएगा। जहाँ पे भी हमें ऑफ फाइंड करना होता है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं, देखते हैं इनसे क्या वैल्यू सॉल्व होके आती है। तो 16 और 100 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100। अब 25 और 550 दोनों ही 25 से एलिजिबल हैं, 25 के टेबल में आते हैं, 25 वन जा 25, और 550 को जब डिवाइड करते हैं 25 से, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी 22। अब 4 है यहाँ पे, 22 है यहाँ पे, 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 4 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा 88, यही वैल्यू होगी, 16% ऑफ 550 इक्वल टू 88। 6.4% ऑफ 750, तो 6.4% को आप लिख सकते हैं, परसेंट है तो अपान में क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा है तो इनके बीच का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, यानी 64/1000। 6.4% की जगह आप लिख सकते हैं 64/1000, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये 750। अब 750 और 1000 दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, और सिंपल तरीके से आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इन्हें पहले 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और 70 और 750 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। अब दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं, 25 से डिविजिबल है, तो 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ न्यूमरेटर में 64 है, यहाँ पर 4 है, तो 64 और 4 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं इन्हें, 4 वन जा 4, और 16 4 जा 64 होता है। अब न्यूमरेटर में यहाँ 16 बचा, यहाँ 3, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48, दैट मीन्स 6.4% ऑफ 750 इक्वल टू होगा 48। नेक्स्ट दिया है 9% ऑफ 70, तो 9% मीन्स 9/100, आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और 70 लिखा है तो एजिटिव लिख देंगे, इनसाइड द ब्रैकेट इसको करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, तो 70 और 100 दोनों ही 10 से डिविजिबल हैं, तो 10 से डिवाइड करते हैं तो 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 आया, और 70 को जब डिवाइड करते हैं 10 से तो 7 आता है। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, 9 7 जा 63, और डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये जो वैल्यू मिली है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिली है, इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो 63 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 6, रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने पर 3, तो 3 यहाँ ऊपर लिखते हैं और अपान में 10, तो 9% ऑफ 70 इक्वल टू होगा 6 3/10। 5% ऑफ 12.6, तो 5% को आप लिख सकते हैं 5/100, फ्रैक्शन में हम इसे लिखेंगे 5/100। ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में ऑफ, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 12.6 को अगर इसका आप डेसिमल पॉइंट हटाएं, ये 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो इसे आप अपान में 10 लिख सकते हैं, 126/10। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 और 10 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 126/2 है, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, और जब 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 63। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर में 100 है, न्यूमरेटर में 63 है, 63 1 जा 63 और अपान में 100 1 जा 100, 63/100, दैट मीन्स 5% ऑफ 12.6 इज 63/100। नेक्स्ट है 15% ऑफ 15, तो 15% को हम लिखेंगे 15/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और 15 की जगह 15, इनसाइड द ब्रैकेट कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब 15 और 100 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, 5 से डिविजिबल है, तो 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब 15 और 20 भी 5 से डिविजिबल है, तो इन्हें 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 3 जा 9 और अपान में क्या है 4। तो ये वैल्यू जो मिली है हमें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिली है, इसलिए फाइनल आंसर हम हमेशा मिक्स में लिखते हैं, तो इसे हम मिक्स में बदलेंगे। 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 1, और डिवाइजर 4 था, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, दैट मीन्स 15% ऑफ 15 इक्वल टू होगा 2 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए में दिया है 20% ऑफ ₹70, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें यूनिट और दे दिया है, रुपए, केजी, ईयर, मीटर, ऐसा वैल्यू दिया हुआ, इसका परसेंट निकालना है। तो आइए ए सॉल्व करते हैं, 20% ऑफ ₹70, तो 20% ऑफ ₹70 को आप लिख सकते हैं 20/100, और ये ऑफ है, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई करना, और ये 70 है, तो 70 रुपये 70 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, रुपए में आएगी, तो रुपए आप बाहर सिंबल लिख सकते हैं। 20% ऑफ रुपये 70 का मतलब होगा 20/100 और इंटू क्या होगा 70, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू रुपए में है, तो ये आंसर भी रुपए में ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए दोनों ही 10 से डिविजिबल हैं, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आएगा, और 100 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 आएगा। अब यहाँ 10 है, यहाँ 70 है, दोनों ही 10 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करते हैं 10 से, 10 1 जा 10, 10 7 जा 70। अब यहाँ 2 है और ये 7, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 2 7 जा 14, और ये वैल्यू रुपए में है, तो रुपए में लिखेंगे, दैट मीन्स 20% ऑफ ₹70, ₹70 का 20% क्या होगा, ₹14, 70% ऑफ 40 kg, तो 70% को आप लिख सकते हैं 70/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगेगा, और 40 kg, यानी 40 का हमें 70% फाइंड करना है, और ये वैल्यू kg में है, तो इसका 70% भी kg में आएगा, तो जो भी सॉल्व करेंगे जो वैल्यू मिलेगी उसे हम kg में एक्सप्रेस करेंगे। अब 70 और 100 दोनों ही 7, अब 70 और 100 दोनों ही 10 से डिविजिबल है, तो 10 से डिवाइड करते हैं, 10 7 जा 70 और 10 10 जा 100,
अब यहाँ 40 और यहाँ 10 दोनों ही 10 से रिजिबल हैं, तो 10 वन जा 10, 10 फोर जा 40, यहाँ 7 है यहाँ 4, इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 7 फोर जा 28, और ये केजी लिखा है तो केजी लिखेंगे, दैट मीन्स 70% ऑफ 40 केजी इक्वल टू 28 केजी, 14% ऑफ 750 ग्राम, तो 14% मीन्स 14/100, फ्रैक्शन से परसेंटेज से हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 14/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 750 ग्राम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। अब 100 है ये 750 दोनों ही 10 के टेबल में आते हैं, 10 × 100 = 10, 75 = 750 होगा। अब फिर ये डिविजिबल है 5 से दोनों, तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएगा, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, यहाँ 14 है यहाँ 2 है, तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करते हैं, 2 वन जा 2, 2 से बन जा 14। अब न्यूमरेटर में 7 है यहाँ 15 है, डिनोमिनेटर में तो 1 है तो उसे नहीं लिखेंगे, और न्यूमरेटर में दो वैल्यू है इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 15 से बन जा 105, और ये वैल्यू हमें ग्राम में दी है जिसका परसेंटेज निकालना है, तो ये वैल्यू भी ग्राम में ही आएगी, उसकी परसेंटेज वैल्यू भी ग्राम में आएगी, तो 14% ऑफ 750 ग्राम इक्वल टू होगा 105 ग्राम, 6% ऑफ रुपये 125, रुपये 125 का 6% पे क्या होगा, रुपये में कोई वैल्यू आएगी, तो देखिए 6% को हम लिख सकते हैं 6/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, और ये वैल्यू रुपये में दी है 125 जिसका हमें 6% निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 125 से, और वैल्यू क्या आएगी, यूनिट क्या होगी, रुपए। अब देखिए 100 और 125 दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं, 25 फोर जा 100 और 25 फाइव जा 125 होता है। अब 6 और 4 की बात करें तो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, रुपए, 35 जा 15 और अपान में 2, 15 का हाफ, रुपये 15/2 है, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आएगी रुपये 7.50, 15 का हाफ, रुपये 15 का हाफ क्या होगा, रुपये 7.50, डिवाइड करने पे हमें डेसिमल में ये वैल्यू में लिखा 60% ऑफ वन ईयर, तो 60% जो, तो यहाँ पर 60% की जो वैल्यू आएगी वो मोर एक्यूरेट किस में आएगी, मंथ में ज़्यादा सही होगी, तो इसे हम मंथ में बदल लेंगे, यहाँ 60% को हम लिखेंगे 60/100 लिख सकते हैं, ऑफ की जगह ऑफ, और वन ईयर की जगह हम लिख सकते हैं 12 months, हमने ईयर को कन्वर्ट कर लिया मंथ में, वन ईयर इक्वल टू 12 months होता है इनसाइड द ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 60/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, इसका मतलब 12 से करेंगे, और ये वैल्यू आएगी मंथ्स में। अब यहाँ पर 60 और 100 दोनों ही 20 से डिविजिबल हैं, 20 × 3 = 60 होता है, और 100 को भी 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो ये वैल्यू क्या आई, 12 × 3 = 36 और अपान में 5, 36/5 months। अब 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशंट आएगा 7, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और अपान में डिवाइजर जो था उस वही लिखेंगे, 7/1/5 months, हम इसे डेज में भी लिख सकते हैं, 5% ऑफ अ मीटर, तो मीटर का 5% क्या होगा, तो वो वैल्यू मीटर से कम होगी, 1 meter से वो वैल्यू कम होगी, तो एक्यूरेट वैल्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, तो 5% मीन्स 5/100 ऑफ की जगह ऑफ, और मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 पर 100 लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना और 100 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और फाइनल इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में ये वैल्यू आएगी। अब देखिए 100 वन जा 100 100 वन जा 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों ही जगह 100 है, न्यूमरेटर में भी 100 डिनोमिनेटर में भी 100। अब यहाँ 5 वन जा 5 और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, दैट मीन्स 5% ऑफ ए मीटर, किसी मीटर का 5% क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। 8% ऑफ ए लीटर दिया है तो 1 लीटर का 8% जो वैल्यू आएगी वो लीटर से कम होगी, क्योंकि 100% का मतलब 1 लीटर है यहाँ पे, तो 8% हमें फाइंड करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 8/100, जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ऑफ की जगह ऑफ, और 1 लीटर में 1000 ml होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 1000 ml, लीटर की जगह हम मिलीलीटर लिख सकते हैं, ये भी एक पॉपुलर यूनिट है। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और ये 1000 और ये वैल्यू किस में आएगी, मिलीलीटर में आएगी। अब 100 और 1000 दोनों ही 100 टेबल में आते हैं, 100 वन जा 100 और 1000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब 8 × 10 क्या होगा, 80, और ये ml में वैल्यू है तो ml लिखेंगे, दैट मीन्स 8% ऑफ अ लीटर इक्वल टू होगा 80 मिलीलीटर या 80 ml। 8% ऑफ 2 की हम यहाँ पर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 8% को हम लिख सकते हैं 8/100 ऑफ की जगह ऑफ, और 2 kg 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है तो 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम होगा, ये हम लिखेंगे उसे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन और 2000 और ये वैल्यू किस में आएगी, ये ग्राम का, ग्राम में वैल्यू दी है जिसका ऑफ निकालना है तो ये वैल्यू भी ग्राम में आएगी। अब देखिए 100 से दोनों डिविजिबल हैं, 100 वन जा 100 और 2000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 20। अब इनका आपसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 20 28 जो होता है 160, ये वैल्यू ग्राम में है तो ग्राम लिखेंगे, दैट मीन्स 8% ऑफ 2 kg इक्वल टू 160 ग्राम होगा। यहाँ पे सॉल्व करना है 10% ऑफ ए लीटर तो हम लिखेंगे 10/100, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया हमने फ्रैक्शन में ऑफ की जगह ऑफ, और 1 लीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 ml, क्योंकि जो भी वैल्यू आने वाली है लीटर से कम होगी इसलिए हमने इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब 10/100 एज लिखा जाएगा, ब्रैकेट लगाना चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, और ऑफ की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 1000 और ये नंबर्स जो भी सॉल्व होंगे वो वैल्यू किस में आएगी, मिलीलीटर में। अब देखिए 100 वन जा 100 और 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो वैल्यू आएगी 10। अब न्यूमरेटर में 10 है, यहाँ पर भी 10 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा 100 और ये वैल्यू ml में है तो ml लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आई 10% ऑफ अ लीटर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, 10% ऑफ अ लीटर इक्वल टू 1000 ml।